देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्तों को अभी भी ये कन्फ्यूजन है कि वेटनरी में एडमिशन कैसे लेना है और 12वीं के मार्क्स कितने होने चाहिए वेटनरी में एडमिशन लेने के लिए। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने आया हूं, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट में पूछिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वेटनरी में आपको 12th में मार्क्स कितने लगते हैं। तो देखिए, 12वीं में आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इन्होंने दिया है, इसमें आपको ऑल इंडिया AIPVT जो एग्ज़ाम होता है, AIPVT, आप गूगल करेंगे तो आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, AIPVT जो एग्ज़ाम है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब कि ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट। इसके थ्रू आपको वेटनरी में एडमिशन मिलेगा, और जितने भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, सब में AIPVT के थ्रू एडमिशन मिलता है। और AIPVT एग्ज़ाम में आपको बैठने के लिए 2019 में जो एग्ज़ाम होने वाली है, उसमें आप अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम आपको 12th में 50% लाना ज़रूरी है। समझ गए आप, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको मिनिमम 50% लाना ज़रूरी है, और अगर आप SC ST या फिर OBC कैटेगरी स्टूडेंट हैं तो आपको 47.5% लाना ज़रूरी है 12th क्लास में। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था ये हमारा कि 12वीं में कितने परसेंटेज लाना है। तो SC ST OBC वालों को 47.5% मिनिमम, और जनरल कैटेगरी वालों को 50% मिनिमम लाना ज़रूरी है, तब आप एग्ज़ाम देने बैठ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको जो सेकंड पॉइंट बताना चाह रहा था यहाँ पे, इसके बाद ये पॉइंट है हमारा कि जो एज का जो पॉइंट था, तो मिनिमम आपकी 17 साल एज होना चाहिए और मैक्सिमम आपकी जो एज है वो 25 साल तक हो सकती है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है, मतलब कि नेक्स्ट फैक्टर क्या है, जो हम जब AIPVT एग्ज़ाम देंगे तो कब है इसका एग्ज़ाम, है एग्ज़ाम कब है और इसका शेड्यूल कब है। तो देखिए, ये एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होने वाला है, इसका शेड्यूल अगस्त में स्टार्ट होने वाला है। जो फर्स्ट सेशन उसका होगा, जब फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा, पहली राउंड जब होगा काउंसलिंग का, तो अगस्त में अभी सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो आपको क्या करना है कि आपको AIPVT की साइट पर जाना है, AIPVT.org। AIPVT आप टाइप करिएगा गूगल पे तो इसकी ऑफिशियल साइट आ जाएगी, और मैं ऑफिशियल साइट नीचे कमेंट में भी देने की कोशिश करूँगा आपको। तो आप इस साइट पे जाइएगा अगस्त के महीने में, अभी अगर आप वीडियो देख रहे हैं अगस्त में, तो आप जल्दी से जाइए, क्योंकि ये जो है सेकंड वीक ऑफ अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। और जैसे ही अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा, तो सारे के सारे जो बच्चे चॉइस फिलिंग करेंगे, और फिर उनको अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग स्टार्ट होगा सितंबर के महीने में, और सितंबर में ऑलमोस्ट जो काउंसलिंग है वो एंड हो जाएगी। तो अगस्त में आपको इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, इसमें नीट के स्कोर पे जो है आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो अगर आपने नीट एग्ज़ाम दी है, उसमें आपका अच्छा स्कोर है, तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट जो फीस ले रही है AIPVT में आपका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो जनरल वालों के लिए और OBC वालों के लिए जो 1000 रुपये लगेंगे AIPVT का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए काउंसलिंग में बैठने के लिए, और SC ST वालों को 500 रुपये देने हैं, और फिजिकली हैंडीकैप वाले जो लोग हैं उनको भी 500 रुपये देने हैं, और OCI कोटा है अगर आपका तो भी आपको 1000 रुपये देने हैं। मतलब कि जनरल और OBC वालों को 1000 रुपये, SC ST वालों को 500 रुपये देने हैं AIPVT का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो सीट रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन पॉलिसी सेम है, SC ST कोटा वालों को 15% रिजर्वेशन, ST कोटा वालों को 7.5% रिजर्वेशन, और OBC वालों को 27% रिजर्वेशन। फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स भी इसमें एलिजिबल है, उनको 5% रिजर्वेशन है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो वेटनरी में जो टोटल सीट कितनी है AIPVT के अंदर, तो ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट के अंदर 15% सीट्स कवर होती है। तो इसके अंदर जो टोटल सीट आती है, इसके जो कॉलेजेस है पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, तो अगर हम टोटल सम करते हैं तो अराउंड आपको 500 सीट के आसपास जो है टोटल यहाँ पे दिख रही है कि 449 सीट्स आपको अवेलेबल है। मतलब आप बोल सकते हैं कि 450 सीट्स अवेलेबल है AIPVT एग्ज़ाम में। तो अगर आपका स्कोर अच्छा रहा, तो हो सकता है कि आपको जो एडमिशन है वो AIPVT में हो जाए, और 450 सीट्स अवेलेबल है ऑल इंडिया कोटा पे। और जो कट ऑफ है वो कितना जाता है, मैं आपको बता देता हूँ कि एवरेज जो कट ऑफ है लास्ट ईयर कितना गया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया था वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा गया था। मतलब कि अगर आपका स्कोर है 450 से 550 के बीच में नीट में, तो ही आपका जो सिलेक्शन होगा। 450 लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक था, और इसके नीचे वालों का किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ OBC वालों के लिए। तो OBC वालों के लिए ये सीन है कि अगर आपका स्कोर जो है
410 से नीचे है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 410 पे लास्ट काउंसलिंग गई थी लास्ट ईयर। और SC ST वालों के लिए थोड़ा सा कंसेशन है कि उनका जो स्कोर है वो 320 मार्क्स पे भी उनका सिलेक्शन हो गया था। तो 320 मार्क्स अगर आपके SC ST में है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, OBC में 410 और जनरल वालों के लिए 450 से 550 तक। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको थोड़ा अच्छा रिजर्वेशन मिलता है, मतलब कि 280 मार्क्स पे भी आपका सिलेक्शन हो जाता था लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो 280 मार्क्स अगर आपके नीट में है तो आपको एक अच्छा वेटनरी कॉलेज मिल जाएगा अंडर AIPVT एग्ज़ाम। तो मैं समझता हूँ कि मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिए, फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट बच गया होगा, टोटल सीट से लेकर आपको मैंने रिजर्वेशन पॉलिसी एलिजिबिलिटी सब कुछ बताने की कोशिश करी है, अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट बच गया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उसका आंसर करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है वीडियो देखने की, और प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और मैं वेटनरी से रिलेटेड पूरे वीडियो डालूंगा जिसमें आपको एडमिशन से लेके कट ऑफ तक सब कुछ बताऊंगा। तो इस चैनल से जुड़े रहिए, आपके बड़े भाई जैसा चैनल है। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए।